Hey guys, काफ़ी दिनों बाद हम आपके लिए एक लैपटॉप रिकमेंडेशन वीडियो लाए हैं जिसमें हम रेकमेंड करेंगे लैपटॉप्स फॉर वीडियो एडिटर्स। आज के वीडियो में हम सभी प्राइस के लैपटॉप्स कवर करने वाले हैं एडिटर्स के लिए। तो अगर आपका जो भी कैटेगरी है, आपका जो भी बजट है, उस हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं फ्यूचर में प्रोग्रामर्स के लिए भी वीडियो लाने वाला हूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली वही होगा। सो गाइस, जब आप वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो अगर आप प्रीमियर प्रो या फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आपको सीपीयू फोकस्ड लैपटॉप्स लेने चाहिए। और अगर आप डाविंची रिजॉल्व या फिर आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो आपको सीपीयू के साथ साथ जीपीयू पे भी ध्यान देना पड़ता है। ये चीज अपने दिमाग में कंसीडर करके ही आपको लैपटॉप लेना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपीज। हियर आई विल रेकमेंड ऑनर मैजिक बुक 15। ये काफी बढ़िया लैपटॉप है एंट्री लेवल एडिटिंग के लिए, क्योंकि इसमें आपको राइजन 5 5500U देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ 36,000 रुपीज के बजट में। तो वैसे आपका बजट कितना भी कम हो, आपको 4GB रैम के साथ नहीं जाना है, मिनिमम 8 या फिर 16 आपके लिए बेटर रहेगा फॉर वीडियो एडिटिंग। तो इस बजट में आपको दूसरा लैपटॉप जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है Lenovo V15। इसकी भी खास बात इसका प्रोसेसर है, जो कि है Intel i3 12th जनरेशन का। ये आपको अराउंड 38,000 रुपीज तक देखने को मिल जाता है। दोनों ही लैपटॉप आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट 40,000 से कम है तो। एक और बात, अगर आप 4K एडिटिंग के लिए लैपटॉप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इन लैपटॉप के साथ ना जाएं, क्योंकि ये लैपटॉप 1080p एडिटिंग के लिए ही सही है। अगर आपको 4K चाहिए तो आपको बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट अंडर 50,000 रुपीज। हियर आई विल रेकमेंड Acer Aspire 3 विच कम्स विद 16GB ऑफ रैम एंड Intel i5 12th जनरेशन। प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर के लिए काफी अच्छा लैपटॉप ये रहेगा आपके लिए। ये लैपटॉप आपको 50,000 तक का मिल जाता है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, लाइक 45,000 तक, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा MSI Modern 15 या तो Ryzen 5 7530 के साथ। इसमें भी 16GB रैम होता है, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट अराउंड 45,000 तक है तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट अंडर 60,000 रुपीज। हियर आई विल रेकमेंड सेम MSI Modern 15 जो कि हमने प्रीवियस में रेकमेंड किया था, बट वो था Ryzen 5 वेरियंट। अब मैं इसका Ryzen 7 वेरियंट आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ। इसमें आपको 1TB की SSD भी देखने को मिलती है। तो ये जो लैपटॉप मैंने आपको अब तक बताया वो आपको प्रीमियर प्रो फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर के लिए थे, जिसमें बस हमें CPU देखना था। बट अब जो मैं आपको लैपटॉप बताने वाला हूँ वो आपको डाविंसी रिजॉल्व और आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी काम आएंगे। सो नेक्स्ट लैपटॉप इस बजट में है Acer Aspire 5। ये मैंने पिछले लैपटॉप सीरीज में भी रेकमेंड किया था। ये क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें i5 12th जन के साथ साथ 16GB ऑफ रैम देखने को मिलता है, प्लस इसमें 2050 RTX ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिलता है। तो ये लैपटॉप काफी वर्सेटाइल हो जाता है अगर आप एक वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यूज करते हो तो। इसका 8GB रैम वाला भी वेरिएंट आता है, जो कि ज्यादा नहीं, 1-2 हज़ार का फर्क है जिसमें, बट मैं रेकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट 16GB रैम वाला ही वेरिएंट ले। ये लैपटॉप आपको 58,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है। देख सकते हैं आप कि इस पे कोई कार्ड डिस्काउंट भी अवेलेबल है या नहीं। तो जो भी एग्जैक्ट लैपटॉप मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ना, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बजट अंडर 70,000। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रीमियर प्रो फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो जो प्रीवियस लैपटॉप मैंने सजेस्ट किया Acer Aspire 5 उसी के साथ जाए, क्योंकि जो लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो भी एकदम सिमिलर स्पेक्स के साथ आता है, जो कि है Asus VivoBook Pro 15। इसमें बस इतना फर्क है कि इसमें आपको RTX 2050 की जगह पे 3050 मिलता है, जो कि आपको After Effects और DaVinci जैसे सॉफ्टवेयर्स में हेल्प करेगा। ये लैपटॉप आपको अराउंड 63-64,000 के बीच में मिल जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट अंडर 80,000। हियर आई विल रेकमेंड अगेन Asus VivoBook Pro 15, बट दिस टाइम Ryzen 7 वर्जन। इसमें आपको 16GB रैम और RTX 3050 देखने को मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो कंसिडर Dell G15, जिसमें आपको Intel i5 12500H देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया प्रोसेसर है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। ये भी आपको अराउंड 76,000 रुपीज तक देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट अंडर 90,000 रुपीज। हियर आई विल रेकमेंड Asus VivoBook 16X, जो कि आता है i5 13th जन के साथ। इसमें आपको RTX 3050 देखने को मिल जाता है एज अ ग्राफिक कार्ड, बट अगर मैं प्रीवियस लैपटॉप से कंसीडर करूँ तो उससे ये अराउंड 10,000 महंगा है। तो वैल्यू फॉर मनी अगर लेना है तो आपको प्रीवियस लैपटॉप जो मैंने बताया Asus का वो लेना चाहिए। नेक्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज HP Victus, जो कि आता है Ryzen 7 6800H के साथ। इसमें आपको RTX 3050 Ti देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट अंडर 1 lakh rupees। ये आई विल रिकमेंड Lenovo IdeaPad Gaming 3, जो कि आता है i7 12th जनरेशन के साथ, और इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो है NVIDIA 3060। नेक्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज MSI Katana 15, जो कि आपको मिलता है i7 12th जनरेशन के साथ। इसमें आपको RTX 3050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है विद 16GB ऑफ रैम। तो अगर आप 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर खर्च कर सकते हो, 1,08,000 1,09,000 के आसपास, तो मैं ये लैपटॉप आपको रेकमेंड करूंगा, जिसका नाम है Asus VivoBook 16X, जो कि आता है i9 13th जनरेशन के साथ। ये काफी अच्छा प्रोसेसर है एडिटिंग के लिए, और इसमें RTX 3050 देखने को मिलता है। ये लैपटॉप आपका हाई लेवल वर्कफ्लो भी मैनेज करेगा विद स्लीक डिजाइन। इसके आगे आप MacBooks भी कंसीडर कर सकते हो, बट मेक श्योर उसका जो रैम है वो 16GB तक हो। सो जो भी लैपटॉप्स मैंने अंडर 60,000 वाले बजट कैटेगरी में बताया, उसके ऊपर के जो भी लैपटॉप्स थे वो आप 4K वीडियो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हो। बजट लैपटॉप्स में आपको तकलीफ होगी, प्रॉक्सी वगैरह बना के कर भी सकते हो, बट थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इनमें 8GB होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए टेक बैटल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।